कोर्ट के आदेश पर रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे शुरू होते ही लोग उग्र हो गए। मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पथराव किया और पुलिसकर्मियों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अलग अलग ग्रुप्स में पहुंचे उपद्रवियों को नियंत्रित करने में पुलिस को पसीने छूट गए, गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस और उपद्रवियों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक और मौत होने की बात सामने आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उपद्रवियों के पथराव में एसडीएम, सीओ, एसपी के पीआरओ समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 1.5 दर्जन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना के बाद से संभल बाजार बंद है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मुगलकालीन जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वेक्षण के कारण स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पथराव में 30 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। ये मस्जिद एक विवादित कानूनी लड़ाई के केंद्र में है, क्योंकि दावा किया जाता है कि इसे एक हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया गया। पुलिस के मुताबिक हिंसा तब शुरू हुई जब एक एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वेक्षण दल ने अपना काम शुरू किया और मस्जिद के पास भीड़ आ गई। भीड़ में लगभग 1000 लोग थे, जिन्होंने पुलिस को मस्जिद में घुसने से रोकने की कोशिश की। भीड़ में से कुछ लोगों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। भीड़ ने 10 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा इसके बाद अफरा तफरी मच गई। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है। पथराव और आगजनी के दौरान सीओ अनुज चौधरी के पैर में गोली लगी। संभल के एसएचओ के पैर में चोट लगी है। एसपी और डीएम भी पत्थरबाजी में घायल हुए। 30 से ज्यादा पुलिस वाले पथराव में घायल हुए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपने पिता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन में वाद दायर किया गया। उनका दावा था कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के भी आदेश दिए। ये 29 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया था। कोर्ट के आदेश पर दरअसल 29 नवंबर की शाम को टीम सर्वे करने पहुंची थी। टीम ने करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली जुमे की जो नमाज थी वो अदा की गई। आपको बता दें 19 नवंबर को ये सर्वे हुआ, उसके बाद 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली नमाज हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग एकत्र हुए। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत कराया, साथ ही मस्जिद के चारों ओर कैमरे लगवा दिए। 24 नवंबर को सुबह एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में दूसरी बार टीम सर्वे करने पहुंची। सर्वे की सूचना इलाके में आग की तरह फैल गई। जैसे ही लोगों को पता लगा मस्जिद की ओर भीड़ पहुंचने लगी और सुबह करीब 9 बजे भीड़ को हटाने की कोशिश की गई तो पहले धक्का मुक्की हुई, बाद में भीड़ ने पथराव किया। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, भीड़ को भगाने की कोशिश की। बताया जा रहा है दूसरी ओर से भी फायरिंग हुई थी। एसपी कृष्ण कुमार ने कहा है कि न्यायालय की टीम सर्वे कर रही थी, तभी कुछ लोगों को जमा किया गया, पथराव किया गया। पुलिस टीम ने हालात को काबू में किया है, सर्वे पूरा कर लिया गया है। सुनियोजित यानी प्री प्लान तरीके से ये सब किया गया। पुलिस की लिखी गाड़ी टारगेट की गई। एनएसए की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से निगरानी की गई है। कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक सामान मिले हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। सबका मेडिकल भी कराया गया है। लेकिन इस तरीके से संभल की जो हिंसक तस्वीर है वो जब सामने आई तो लोग भी सकते में आ गए। घटना के बाद पुलिस ने संभल में स्थानीय लोगों से मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए वहां पहुंची सर्वेक्षण टीम पर पथराव न करने की भी अपील की थी। महंत ऋषिराज गिरी ने कहा है कि जामा मस्जिद के अंदर मंदिर है, सिर्फ बाहर से ही उसे मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है, जबकि वहां अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रमाण है कि मंगलवार को जब वो सीढ़ियों पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें काफी सकारात्मक ऊर्जा मिली। ये महंत का कहना है कुछ अलग ही अनुभूति का एहसास हुआ, जिसको उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो उनको कोई अंदर से बुला रहा हो, ऐसा वो बार बार कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य रखे गए हैं, जल्द ही सभी लोगों को भगवान हरिहर के दर्शन होंगे, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में इस वक्त संभल जल रहा है, अभी भी वहां पर हालात बेकाबू हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।